हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और जैसा कि आप जानते हैं हम सी की नई सीरीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग देखेंगे वैसे तो सारे लेक्चर कंप्लीट हैं ठीक है तो इसमें मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना कुछ एडिशनल किया जाए जैसा कि मैं आदत से मजबूर हूँ ठीक है तो जो चीजें होती हैं उससे भी आगे बढ़ के हम लोग थोड़ा सा कुछ और देखते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि ऐसी चीजें भी होती हैं तो चलिए आज हम लोगों के पास आज एक नया एजेंडा है जो के है हमारे पास जिसका नाम है एक्सिस कंट्रोल लिस्ट विद क्योंकि अब तक हमने जो ए का डिस्कशन किया है वो केवल और केवल किसके साथ किया था वो हमने ए का डिस्कशन किया था आईपी वर्जन फोर के साथ बट आजकल आईपी वर्जन सिक्स जो है ट्रेंडिंग में है तो हम लोग देखेंगे कि आईपी वर्जन V6 के साथ ACL कैसे लगाते हैं इसका एक बेसिक व्यू देखते हैं बाद बाकी और भी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे ठीक <coughs> है तो चलते हैं कि आईपी V6 सिक्स के लिए मैंने क्या सिनेरियो लिया हुआ है तो हमारे पास सिनेरियो कुछ यू के है कि मैंने ये तीन राउटर्स लिए हुए हैं ठीक है तो आई पी बी सिक्स का आई पी एड्रेस कॉन्फिगर करके मैंने इनके ऊपर एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया हुआ है और ये भी चीज आपको पता होना चाहिए तो यानी कि मैंने इसके ऊपर जो किया हुआ है वो किया हुआ है ओ एस पी एफ वी थ्री ओ एस पी एफ किया हुआ है इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूं पहले ही तो ये वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है क्योंकि ACL के लिए हमें क्या है ACL जो है एसीएल से पहले हमको सभी के बीच में रीचेबिलिटी बनानी होती है विद द हेल्प ऑफ एनी राउटिंग तो मैंने राउटिंग के लिए यहाँ पे OSPF v3 का यूज किया हुआ है। यहाँ पे आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से हैं। मैंने यहाँ पे 2002 इधर 2 लिया हुआ है, इधर 1, इधर 2 और इधर 1, ठीक है? इधर मैंने जो लिया हुआ है 2001 कोलन कोलन, ठीक है? ये नेटवर्क आईडी है। तो 2001 थाउजेंड कोलन कोलन वन आई एड्रेस इस राउटर पे है 2001 कोलन कोलन टू इस पे दिया हुआ है तो ये आई एड्रेस इस तरह से दिए हुए हैं और मैंने routers के ऊपर ओ को कॉन्फिगर किया हुआ है इसके बाद हम लोग ए कॉन्फिगर करेंगे IPv6 के साथ तो वो देखते हैं वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों के बीच में IPv4 ACL के बीच में और ये जो मैं ACL लगाने जा रहा हूँ वो मेरा होगा ठीक <coughs> है जो मेरा है नेमड एसीएल है वो ठीक है कौन सा नेम्ड एसीएल की हेल्प से मैंने ये ए लगाया है जिसमें मैं ये चाहता हूं मेरे पास सिनेरियो ये है कि ये जो राउटर है ठीक है ये जो राउटर है इस राउटर को टेलनेट ना कर पाए बाद बाकी सारा ट्रैफिक जाए ओनली नॉट फॉर पोर्ट नंबर ट्वेंटी थ्री या फिर टेलनेट ना कर सके बस इतना मैंने एसीएल के थ्रू में चाहता हूं कि ये जो राउटर है इसको टेलनेट ना कर सके बस इतना मैंने करना है तो इसके लिए मैंने ए बनाई हुई है तो चलिए देखते हैं और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ ठीक <coughs> है तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपनी लैब दिखाता हूँ तो लैब मैंने ये पहले से ही बनाई हुई है और इसके ऊपर क्यों ज्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हुए सारी लैब को जोड़ता फिर मैं इसके ऊपर ओ एस कॉन्फिगर करता तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है और इसके लिए सारी चीजें मैं पहले से तैयार कर चुका हूं मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं जरा सो आई पी वी सिक्स प्रोटोकॉल और देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ये कमांड चलाई ठीक है ये मुझे बता रहा है कि आपने ओ एस पी एफ चलाया हुआ है जिसका प्रोसेस आई डी वन है और इस राउटर का राउटर आई डी है और ये ठीक है सेम चलते हैं हम लोग दूसरे राउटर पे दिखाता हूँ आपको ठीक ठीक है 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 इधर भी देखो इसका तू 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 है, और OSPF area, मतलब जी ये जो है, OSPF Process ID 1 के साथ में इसको configure किया एनडी का मतलब होता है नेवर डिस्कवरी ठीक है कॉन और इधर भी मैंने सॉरी oh, IP v6 प्रोटोकॉल ठीक है तो इधर भी देखो सेम चीज है इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं सो आई पी वी सिक्स रूट कमांड भी चला सकते हो आप तो इधर देखिए जरा आउटपुट थोड़ा बड़ा कर देता मैं तो इधर हम लोग देख सकते हैं कि दोबारा चलाता हूँ ये कमांड और आउटपुट अच्छी हो जाएगी तो देखिए ओ ओ मतलब ओ एस पी एफ इस नेटवर्क पे ले जाने के लिए ये मुझे कहाँ से होके मेरे किस लिंक लोकल एड्रेस ठीक है तो आई पी वी सिक्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं आई पी वर्जन वी सिक्स के लेक्चर को आप लोग मैं अपलोड करूंगा उनको आप देखेगा तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा एल का मतलब लोकल सी का मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड तो मैं इधर राउटर वन को पिंग करा के दिखाता हूँ आपको पिंग टू जीरो जीरो रिप्लाई आ रहा है मेरे इस राउटर से और इससे भी मैं आपको पिंग करा के दिखाता देता हूं पिंग टू जीरो जीरो टू कोलन कोलन टू और आईपी एड्रेस वगैरह देखने के लिए आईपी वी सिक्स में कमांड है सो आई वी सिक्स V6, brief. तो देखिए जरा मैंने अपने इस राउटर के एफ आई जीरो के ऊपर आई पी एड्रेस दी हुई है एक आई पी एड्रेस जो ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है लिंक एड्रेस एफ लोकल एट जीरो से स्टार्ट होता है बाद बाकी ये टू थाउजेंड वन वन ये आईपीएड्रेस मैंने दिया हुआ है ठीक है चलिए तो ये चीज सारी हमारी कंप्लीट है अब देखते हैं जरा इसको ठीक तो चलते हैं अब ए लगाते हैं तो ए के लिए मैंने क्या किया हुआ है <coughs> पहले से ये सारी चीज तैयार करके रखी हुई है कमांड क्योंकि वीडियो बनाने से पहले हर तरह का प्रिपरेशन जरूरी होता है ठीक है तो आई पी बी सिक्स नेम्ड ए लगाया है मैंने तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फर्टी ठीक है तो चलते हैं इस राउटर पर मैंने ये सारी कमांड चलानी है तो मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले कॉन्फिगर तो आपको पता ही होगा प्रिविलेज में में लेके जाएगा मुझे ग्लोबल कॉन्फिगरेशन हम लोग ठीक है आईपी बी सिक्स लगाते हैं वहां पर डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट से शुरू करते थे ठीक है और एक नाम दे देते थे उसको तो मैंने यहाँ पे क्या किया आईपी बी सिक्स एक्सेस लिस्ट और आईपी बी सिक्स टेस्ट इसका नाम है दिस इज़ द नेम ये इसका क्या है नाम है ठीक है आई पी बी सिक्स नाम है तो मैं यहाँ पे कह रहा डिनाई टीसीपी होस्ट यानी कि वो राउटर या वो कंप्यूटर या वो आईपी एड्रेस जो के ये है टू जीरो जीरो टू ठीक है कोलन कोलन टू ठीक है डिनाई करे किसको इक्वल टू पोर्ट नंबर या तो मैं यहां पर ट्वेंटी थ्री टाइप कर देता यहां टेलनेट लिख दूं कोई भी चीज चलेगी क्योंकि अगर मैं यहां पर टेलनेट या ईक्यू लिख रहा हूं तो इट्स मींस इट इज द एक्सटेंडेड एसीएल ये मेरा क्या है एक्सटेंडेड एसीएल है चलिए तो ठीक है देखते हैं एक्सटेंडेड एसीएल में नेमड एसीएल ठीक है इसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट बनाई कि बच्चे कुछ ये लोग आईपीवी6 परमिट एनी एनी ठीक है तो परमिट हो जाए बाद बाकी बचे हुए केवल डिनाई केवल ये ही हो ठीक है इस राउटर के किस इंटरफेस के ऊपर किस इंटरफेस के ऊपर तो पिक्चर के हिसाब से चलता हूं कि इस राउटर को ये एक्सेस न कर पाए तो मैं एसीएल किस पे लगाऊंगा इधर लगाऊंगा क्या करूंगा इधर लगाऊंगा ताकि इधर से ये ट्रैफिक मेरे राउटर में क्या ना हो इन ना हो क्या ना हो <coughs> इन ना हो तो आईपीबी ट्रैफिक फिल्टर तो ट्रैफिक फिल्टर डिफरेंट ये थोड़ा सा बदलाव है पहले से कि यहां ट्रैफिक फिल्टर कमांड चली है ट्रैफिक फिल्टर आईपी वी सिक्स यानी कि ए सी एल का नाम और उसका डायरेक्शन जो इन आउट जो भी है ठीक है तो चलते हैं ये कमांड लेके अपने राउटर के ऊपर राउटर टू तो। और ये सारे कमांड अब मेरे चल चुके हैं ठीक है अब जरा मैं टेलनेट इनेबल करूं इन दोनों राउटर के ऊपर फिर मैं आपको डिफरेंस दिखा पाऊंगा तो मैंने ये जो यहाँ पे लगाया है एक सेकेंड मैंने अभी ये जो टेलनेट किया है यहां पे ठीक है फिल्टर वो किधर से किधर किया है वो मैंने जो मेरा जो डायरेक्शन है वो है ये मैं चाहता हूं कि केवल ये राउटर ये वाला बंदा ना कर सके मगर ये वाला इसको कर सकेगा हर तरह की ट्रैफिक इधर से जाएगी केवल 23 नहीं जाएगी <coughs> केवल <coughs> सॉरी 23 नहीं जाए बाद बाकी इधर से ये हो सके तो चलो देखते हैं जरा तो मैं इस राउटर के ऊपर टेलनेट इनेबल करता हूं सबसे पहले राउटर वन के ऊपर तो राउटर वन पे गया मैं कॉन्फ्टी सॉरी कॉन्फ्टी लाइन vty 04 वाई जीरो फोर कैप्स लॉक पासवर्ड पासवर्ड वन टू थ्री इनेबल सीक्रेट कर देते हैं ठीक है हो गया इस पर राउटर पर टेलनेट एनेबल मैंने कर दिया अब जरा मैं इधर से एक्सेस पहले पिंग करता हूं पिंग जा रही है कि नहीं जा रही तो देखो पिंग जा रही है बट जैसे मैं टेलनेट की ट्रैफिक को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा देखो बंद देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम चलो देखते हैं एक बार ओके okay, थोड़ा सा करेक्शन किया है इधर इधर जो डायरेक्शन था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो डायरेक्शन आउट ठीक है मैंने ये रूल बनाना था जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई 2002 कोलन कोलन ये जो ट्रैफिक है आउट ना हो क्या हो आउट नहीं होना चाहिए तो मैं गया मैंने सिंपली कुछ भी नहीं किया इस राउटर के ऊपर ठीक है मैंने केवल इस इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक केवल आउट किया क्या है आउट किया है और इस वीडियो के लिए, लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? तो है, तो है कभी कभी कोई दिक्कत नहीं ठीक है जब मैं अब इधर से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देखो मगर पिंग बराबर जा रही है क्या है पेंग बराबर जा रही है तो इस तरह से आप ए के थ्रू जो है कोई भी ट्रैफिक का आईपी वर्जन वी के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं बस थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है ठीक है तो आईपी वी के साथ आप इस तरह से जो है इसको कर सकते हैं और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बस ए में केवल और केवल डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है तो डायरेक्शन के लिए आप ए वाला वीडियो देखिए उसमें सारे मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि इन कब होगा आउट कब होगा ठीक है तो चलिए आईपीबी ए सी के लिए इतना ही है बाद वाकी आप लोग अपने आप से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं केवल दो चीजें बदली है एड्रेस डालने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हुआ है बाद बाकी यहाँ पर ट्रैफिक फिल्टर केवल दो चीजों का बदलाव है बाद बाकी ए पहले की ही तरह सेम है कोई भी आईपी बी सिक्स ए सी एल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है तो चलिए इसके साथ फिनिश करते हैं इस वीडियो को